Today, in this video, we are going to start chapter 5 Learning a New Language. So, let's start our chapter. It was a regular day in class when Mrs. Desai, our principal, introduced the class to their new Spanish teacher. Good morning, class. This is Mr. Saxena. He would be teaching you Spanish. The Spanish class is optional, and whoever wants to learn a new language can enroll for this class. However, द फर्स्ट क्लास इज़ फॉर एवरी वन सो देट यू कैन डिसाइड लेटर मिस देसाई सेड एंड देन लेफ्ट फॉर हर ऑफिस रोज़ की तरह सब बच्चों की क्लास चल रही थी तभी मिस देसाई उनकी प्रिंसिपल जो हैं वो क्लास में आती हैं और एक नए स्पेनिश टीचर को उन लोगों से इंट्रोड्यूस करती हैं वो बोलती हैं गुड मॉर्निंग क्लास ये है मिस्टर सक्सेना यह तुम लोग को स्पेनिश पढ़ाने आए हैं स्पेनिश पढ़ना तो एक ऑप्शनल है तुम इसकी जगह कोई और नई लैंग्वेज भी पढ़ सकते हो पर आज की पहली क्लास सब लोग की एक जैसी ही रहेगी इस क्लास में आप सब लोग डिसाइड कर लेना कि आपको अगली क्लास में कौन सी न्यू लैंग्वेज सीखनी है ऑल द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड दे वर वेटिंग फॉर मिस्टर सक्सेना टू से समथिंग गुड मॉर्निंग क्लास माई नेम इज़ दिव्यांग सक्सेना एंड आई एम हेयर टू टीच यू स्पेनिश बिफोर आई स्टार्ट आई वॉन्ट टू नो हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्पीक और एट लीस्ट नो अ फ्यू वर्ड्स इन अ थर्ड लैंग्वेज अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश मिस्टर सक्सेना आगस्ट सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे वो वेट कर रहे थे कि मिस्टर सक्सेना कुछ बोलें तभी उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग क्लास मेरा नाम दिव्यांग सक्सेना है मैं यहाँ आप लोग को स्पेनिश पढ़ाने आया हूँ अब हम लोग अपनी नई क्लास शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी आप लोग किसी और लैंग्वेज में बोल सकते हो क्या यहाँ कुछ भी शब्दों से हिंदी और इंग्लिश के अलावा वी है रेज हर हैंड टू आंसर मिस्टर सक्सेना आस्क्ड हर नेम एंड दिया देन विहा स्पोक विद हिज परमिशन सर आई नो अ फ्यू वर्ड्स इन जर्मन तभी विहा ने अपना हाथ खड़ा करा और कहा कि कहा कि मुझे कुछ जर्मन के वर्ड्स आते हैं क्या मैं उनको बोल सकती हूं वेरी गुड विहा कैन यू प्लीज शेयर सम वर्ड्स विद अस ही आस्क्ड तभी जो मिस्टर सक्सेना ने थे उन्होंने कहा वेरी गुड विहा क्या तुम अपने कुछ शब्द हम सबके साथ शेयर करना चाहोगी इच विन विहा इच मग कुचेन विहा सेड एंड एवरी वन लुकड एट हर फिर विहा ने कहा इच विन विहा इच मग कुचेन सब बच्चे विहा की तरफ देखने लगे सीहर गट विहा मिस्टर सक्सेना रिप्लाइड मिस्टर सक्सेना ने विहा से बोला सीहर गट विलन डेंक ही विहा रिप्लाइड ऑल द स्टूडेंट्स वर स्टिल लुकिंग एट विहा एंड मिस्टर सक्सेना फिर विया ने रिप्लाई करा विलन डेंग सब बच्चे इन दोनों की तरफ देख रहे थे मिस्टर सक्सेना देन ट्रांसलेटेड देयर कन्वर्सेशन फर्स्ट सेड आई एम विया आई लाइक like केक देन आई रिप्लाइड वेरी गुड विया शी देन सेड थैंक यू सर फिर मिस्टर सक्सेना ने उन दोनों की कन्वर्सेशन को सब बच्चों में ट्रांसलेट करा उन्होंने बताया कि पहले व्याह ने बोला कि मेरा नाम विया है मुझे केक खाना बहुत पसंद है फिर मिस्टर सक्सेना ने रिप्लाई करा था कि वेरी गुड वीहा फिर विहा वी ने उनसे थैंक यू कहा था एवरी वन फॉर हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू नो मिस्टर सक्सेना प्रियम आगस्ड सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए बहुत ज़्यादा खुश हो गए तभी जो प्रियम था उसने मिस्टर सक्सेना से पूछा कि आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं वेल आई नो नाइन लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश मिस्टर सक्सेना रिप्लाइड बट वाइट डिड यू लर्न सो मेनी लैंग्वेजेस सर वीहा फिर मिस्टर सक्सेना ने कहा कि मुझे तो नाइन लैंग्वेजेज आती हैं हिंदी और इंग्लिश के अलावा तभी विया कहती है सर इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों आती हैं आपको आपने इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों सीखी आई लाइक टू लर्न अबाउट डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर कल्चर्स एंड इट बिकम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग इफ़ आई नो देर लैंग्वेज मिस्टर सक्सेना आंसर्ड तभी मिस्टर सक्सेना ने फिर वीहा से कहा कि मुझे नई नई कंट्रीज़ और उनके कल्चर के बारे में जानने में बहुत अच्छा लगता है और जब हमें उनकी लैंग्वेज पता होती है तो वो हमारे लिए बहुत ईजी भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है कैन यू से समथिंग इन स्पेनिश दिशा रिक्वेस्टेड तभी दिशा कहती है कि क्या आप हमें स्पेनिश में कुछ सुनाओगे कोर्स मेन नोमरे एस दिव्यांग मे गस्ता एनसनर अ लॉस निनोस मिस्टर सक्सेना रिप्लाइड आई नो आई नो यू सैड माई नेम इज़ दिव्यांग बट आई डोंट नो वॉट योर सेकेंड सेंटेंस मीन्स गीत सैड तभी गीत चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि आई नो आई नो मुझे पता है मुझे पता है आपने पहले कहा कि मेरा नाम दिव्यांग है पर आपने दूसरी लाइन में क्या बोला वो मुझे नहीं पता मिस्टर सक्सेना लाव्ड एंड सैड यू आर राइट गीत माई सेकेंड सेंटेंस मीन्स आई लाइक टीचिंग चिल्ड्रन गीत फेल्ट प्राउड एंड ही स्माइल तब मिस्टर सक्सेना हंसे और उन्होंने कहा कि तुम सच कर रहे हो गीत मेरा सेकंड सेंटेंस ये था कि मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है गीत जो था वो अपने आप को प्राउड फील करने लगता और मुस्कुराने लगा मिस्टर सक्सेना कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन प्लीज व्या आज श्योर व्या माई स्टूडेंट्स कैन आस्क मी एज मैनी एज दे वॉन्ट टू मिस्टर सक्सेना आंसर्ड तभी विया कहती कि मिस्टर सक्सेना कि मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ तभी मिस्टर सक्सेना व्याह से कहते हैं कि हाँ श्योर मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाउ डू यू से गुड मॉर्निंग इन स्पेनिश व्या आगस्ट वि ने पूछा कि गुड मॉर्निंग को स्पेनिश में क्या कहती हैं बियोन दिया ने बताया कि गुड मॉर्निंग कोस कहती हैं बाय बाय दिस टाइम द स्टूडेंट्स वर गेटिंग वेटी एक्साइटेड अबाउट लर्निंग स्पेनिश हाउ डू यू सू आर माई फ्रेंड इन स्पेनिश अब इस सबके बाद सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड होने लगे स्पेनिश सीखने के लिए फिर उन वो लोग पूछते हैं कि स्पेनिश में यू आर माई फ्रेंड को क्या कहेंगे टू एरोस मी अमीगो इफ इट इज अ बॉय एंड टू एरस मी अमीगा इफ़ इट इज अ गर्ल मिस्टर सक्सेना एक्सप्लेन एज सुन एज मिस्टर सक्सेना रिप्लाइड वाहिद टर्न टू हरी एंड सैड हरी टू एर मी अमीगो एंड हरी रिप्लाइड टू एरेस मी अमीगो वाहिद बोथ ऑफ देम शुक्स हैंड एंड स्माइल्ड फिर मस्टर सक्सेना उनको बताते हैं कि अगर वो एक लड़के से बोलना चाहते हैं तो तू अरेस्ट मी अमीगो कहेंगे और अगर गलत से बोलना चाहेंगे तो तू अरेस्ट मी अमीगा कहेंगे तभी वहीद और हरी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं हरी कि तू अरेस्ट मी अमीगो और फिर हरी जो है वो वाहिद का रिप्लाई करता है कि तू अरेस्ट मी अमीगो वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और स्माइल करने लगते हैं डिड यू नोटिस क्लास अ लैंग्वेज हेल्प ब्रिंग्स पीपल क्लोजर वैन पीपल ट्रेवल टू योर कंट्री एंड यू नो देर लैंग्वेज यू कैन एंटरटेन दे बेटर एंड दे विल भी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू ब्यूटी ऑफ अवर ऑफ़ यंट्री सिमिलरली वैन वी ट्रेवल टू एन न्यू कंट्री एंड वी कैन स्पीक द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द पीपल देअर वी कैन डेफिनेटली हैव मोर फन मिस्टर सक्सेना एक्सप्लेन देखा क्लास तुम लोगों ने नोटिस किया कि एक लैंग्वेज से लोग आपस में क्लोज आने लगते हैं जब हम किसी दूसरी कंट्री में ट्रेवल करने जाते हैं और अगर हमें वहाँ की कोई लैंग्वेज पता है तो हम वहाँ पे अच्छे से एंटरटेन हो पाते हैं अच्छे से वहाँ की ब्यूटी को समझ पाते हैं ऐसे ही ऐसे ही सिमिलरली जब कोई बाहर से लोग हमारी कंट्री में आते हैं और अगर हम उनकी नेटिव लैंग्वेज जानते हैं तो वो हम लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे अच्छे से फ़न कर पाएंगे एंड हाउ डू यू से थैंक यू वेरी मच सर सेम अगेन फिर सैम ने पूछा कि हम थैंक यू वेरी मच को क्या कहेंगे सर मूचर्स ग्रेशियस सेनर मिस्टर सक्सेना आंसर द स्टूडेंट्स वर बिजी आस्किंग न्यूमरस क्वेश्चन व्हेन द बेल रिंग इट वाज़ टाइम टू लीव मिस्टर सक्सेना थैंक एवरीवन बिफोर लीविंग एंड ऑल द स्टूडेंट्स अप एंड सेंट मूचर्स ग्रेशियस सेनर सारे बच्चे मिस्टर सक्सेना से क्वेश्चन एक के बाद एक के बाद एक पूछे जा रहे थे कि तभी क्लास में बेल बज गई अब मिस्टर सक्सेना के जाने का टाइम आ गया था तो जब मिस्टर सक्सेना जा रहे थे तो सारे बच्चे खड़े हुए और उन्होंने सर से कहा मुचस ग्रेसियस सेनोर जिसका मतलब था थैंक यू वेरी मच सर सो स्टूडेंट्स दिस इज योर चैप्टर